2010 में हमारे पास आई, हमसे बोली कि भैया हम भी फुटबॉल खेलेंगे। फटा हुआ कपड़ा पहनकर फ्रॉक पहनकर आई थी, हम बोले कि ठीक है तुम आओ प्रैक्टिस में। तो वो आती थी, एक दिन आई, दो दिन आई, तीसरा दिन जब वो फील्ड में आई तो दो राउंड चार राउंड जब सीने तो उसके बाद वो गिर गई। हम बोले कि काहे नहीं दौड़ रही हो, बोले कि भैया पेट में दर्द होता है। काहे, रात कुछ नहीं खाए थे, रात में घर में कुछ नहीं बना था, कुछ था ही नहीं, पापा का काम नहीं चला। उसके बाद से हमारा और उसका काम स्टार्ट हो रहा है। प्रकाश नगर के नरकटियागंज की सोनी कुमारी जो 9 बरस की छात्रा हैं और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन हैं, जिसके पिता पन्ना लाल पासवान अपने परिवार का भरण पोषण टंगा चलाकर करते हैं। वे पेट की भूख मिटाने भर के लिए तो कमा लेते हैं, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या रहने के लिए घर की है। आपकी घर की स्थिति बहुत दयनीय देख रहे हैं। मेरे घर तो एकदम बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी लड़कियां भी आती है, करोड़पति वाली भी लड़की आती है, तो हमको बहुत शर्म आती है अपने घर में बैठाने के लिए। कुछ तो है ही नहीं घर में, इतनी शर्म भी आती है, मुश्किल तो होती है इधर उधर उस बैठाने में। और सरकार और नरेंद्र मोदी, क्या सुशील मोदी आपसे मिले थे? मिले थे, हाँ, वहाँ पे पटना में मिले थे और कुछ नहीं किया हमको मदद। अब क्या बोले? बोले थे कि करेंगे मदद, अभी तक कुछ नहीं किया बिहार सरकार, कुछ नहीं। प्रशासन ने आज तक देखने तक नहीं आया कि एक लड़की जो चंपारण की पिछड़ा दलित बहुल क्षेत्र की है, वो लड़की आज भारतीय टीम की कैप्टन बनी है और उसको रहने के लिए घर तक नहीं है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे परिवार को, ऐसे ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे ऐसे प्रतिभा को आप प्रोत्साहित करें, उनका घर बनवाएं। सोनी के लिए कुछ मदद कर दीजिए आप लोग, कीजिए आगे बढ़े। और इतना तक हम मेहनत की है, अब आप लोग मेहनत करके बढ़ाइए। मैं चाहती हूँ कि शहरों में रह रहे गरीबों के साथ सोनी कुमारी को भी घर बनाने के लिए सरकार मदद करे। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप भी हमारे इस महत्वपूर्ण लड़ाई के हिस्सा बने, जिसके लिए मोबाइल नंबर है 9470488468। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।